ये टोपन राम जी का संदिग्ध मामले में हम पहले सुबह सूचना मिली कि सोलर प्लांट या जो अडानी कंपनी का है, बड़ी सीड ग्राम पंचायत में स्थित है, ये एक सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम कर रहा था। और रात को 7:30 बजे के आसपास सूचना मिली कि इनकी मौत हो चुकी है। जबकि 4:30 बजे के आसपास परिवारजनों से इनसे बात की है और उसके उपरांत परिवार के लोग वहाँ गए, उनसे पहले ही पुलिस विभाग और कंपनी वाले इनको उठाकर डेड बॉडी लेकर हॉस्पिटल मोर्चरी ला कर रख दी गई। तो हमें इसकी जानकारी मिलने के बाद हम लोग आए एकते हुए, तो हमें ऐसा संदिग्ध मामला लग रहा है, इसलिए हम लोग सब यहाँ आए और सुबह से 2-3 बार वार्तालाप हुई है। वार्तालाप 3 मांगों पर सहमति बनी और एक आखिरी उनके परिवार को संबल प्रदान के लिए जो बात हो रही थी वो विफल हो रही बार बार, उसके लिए कंपनी कोई तरह की बात नहीं कर रही। बाकी मोहन आज कहिए पोस्टमार्टम बोर्ड से करो तो ठीक है, बोर्ड से। फिर उन्होंने कहा है भाई 5 लाख रुपए कंपनी वालों की वजह से उसने आत्महत्या की। छिड़ा हुआ समाज है SC ST का, और इनकी चाहे संदिग्ध कहें चाहे मौत के, ये प्रशासन और ये सरकार कभी संवेदनशील रही नहीं। एक बंदा, एक पिता का अंतिम लड़का है, खत्म हो जाता है, उसका कोई सहारा नहीं। किसको तो ये नौकरी देंगे, क्या ये करेंगे? सिक्योरिटी वाले हाथ अड़का रहे हैं कि हमारा कोई मामला बनता ही नहीं है, पैसे के लिए कह रहे हैं 2-2.5 लाख रुपये इनको दे के इतिश्री कर लें। अरे भाई साहब, आपकी ऑन ड्यूटी में बंदा खत्म हुआ है, आपकी जवाबदारी और जिम्मेदारी नहीं है? क्या बात करते हो, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों की। जब कोई कंट आके आदमी खत्म होता है आप वहाँ 40 लाख देते हो, जैसे कोई ऊँट चला जाता है उसको आप 25,000 रुपये देते हो और आप आदमी की कीमत आंक रहे हो, शर्म आनी चाहिए। पहली बात तो उन्होंने पुलिस प्रशासन की बड़ी गलती रही कि परिवारजनों की गैर मौजूदगी में बॉडी लेकर आए। मैं एक अधिवक्ता होने के नाते उनकी भर्त्सना करता हूँ कि इस तरह की कार्रवाई में आप लोग परिवार को इग्नोर रखें, ताकि भविष्य में भी आप लोगों की जवाबदारी जिम्मेदारी तय हो। दूसरी बात है, कंपनी की ओर से अभी तक कोई अधिकृत रूप से लिखित में नहीं दिया गया है कि हमारी भी जवाबदारी है, जिम्मेदारी है। इसलिए हम लोग बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में रूपरेखा बना रहे हैं, हम हमारे रिश्तेदारों से परिवारजनों से बात कर रहे हैं, और अगर समय रहते हमारी कार्रवाई पर गौर प्रशासन ने नहीं किया तो मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कल फलोदी और ये बाप का और जितने हमारे साथी लोग ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे, जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, जब हम एक नहीं होंगे, शंकित नहीं होंगे, इस तरह का अत्याचार अन्याय होता रहेगा। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, इस तरह की घटना अगर कंपनी वाले हो, चाहे व्यवसायी हो, चाहे दुकानदार हो, किसी के साथ भी ऐसी हो सकती है, लेकिन इनकी जो जवाबदारी बनती है, कम से कम इतनी जवाबदारी तो थी ना पहले, जैसे भी कोई चीज़ हो गई है तो परिवारजनों को, आस पड़ोस को, जो भी उनको सूचना दे के ये फिर ये मोर्चरी में लाते। सीधा इन्होंने मोर्चरी में लाने तो फिर तो ये क्वेश्चन मार्क खड़ा कर ही दिया।